एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो वही वीडियो है जिस वीडियो का आप सभी को इंतजार है कि मुझे विपिन ने क्या दिया एनिवर्सरी पे, ये सभी जानना चाहते हैं। और मैं भी बताना चाहती हूँ, ये मैं दो वजह से नहीं बता रही थी। एक तो टाइम तो था ही था कि भाई मैं बिजी चल रही थी, आज का दिन फ्री हूँ लेकिन अपने बिजनेस के काम से फ्री हूँ, लेकिन जो घर की चीज़ें मैं एक दिन का ब्रेक लेके करती हूँ, जो मैं कल नहीं कर पाई परसों नहीं कर पाई, वो वाली चीज़ें मुझे आज करनी है, तो उस वजह से भी। और जो मेन रीज़न था वो ये था कि भाई शो ऑफ ये वो, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि मैं नहीं दिखाती हूँ, लेकिन जब बार बार कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग देखना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं दिखाती हूँ। इसीलिए मैंने ज़्यादा जिक्र भी नहीं किया विपिन के गिफ्ट का, वो उस दिन उन्होंने बोला एनिवर्सरी पे, तो और एक बार बताया था कि हाँ ये दे चुके हैं मेरे को ये, तो वो दो तीन ब्लॉग में ऐसे बोला। जिस दिन हम लेकर आए उस दिन मैंने नहीं बताया, ना मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि जब वीडियो बनाएंगे तो फिर होता ही है कि फिर क्या मिला। तो ये तीनों डब्बी हैं जिनमें मुझे तीनों में है, एक में इयररिंग्स हैं, एक में ब्रेसलेट है और एक में कड़ा है। तीनों ही आप, अब मेहंदी उतरने लगी है, तीनों ही आप देखना चाहते होंगे कि तीनों कैसे हैं कैसे नहीं। एक एक करके आपको तीनों दिखा देती हूँ कि मुझे क्या क्या मिला है, ठीक है। एक एक करके तीनों चीज़ें दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इयररिंग्स, और मैं पहन भी लेती हूँ, एक दिन पहने थे बीच में फिर उतार दिए। तो ये इयररिंग्स हैं छोटू छोटू से, इस टाइप के प्लेन बिल्कुल, और ये अच्छे भी रहते हैं, अच्छे मतलब कि मुझे अच्छे लगे। यार मैं भूल गई पहनना, तो मैं इनको पहन भी लेती हूँ। अब आप मुझे शायद डेली देखें इनमें, इस टाइप के हैं ये। और ये फिर पूछते हैं कि वेट वगैरह भी बताओ साथ में, वेट कितना है इनका। तो ये 3 ग्राम से ऊपर है, 3.25 ग्राम, 3 से 3.25 के बीच में है, ठीक है, 3.5 नहीं है। तो अभी ये देखो सुंदर लग रहे हैं, बताना, सिंपल से, और चुभेंगे भी नहीं। देखती हूँ रात रात में प्रॉब्लम ना आए, मुझे तकिए पे रख के प्रॉब्लम आती है, तो वो वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये कानों में पड़े रहेंगे। अब दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, वो है सिल्वर का ब्रेसलेट, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर मुझे दोनों मिला है। ये इयररिंग्स तो जो है बर्थडे गिफ्ट समझ सकते हैं, आपकी बर्थडे गिफ्ट दिया है विपिन ने, क्योंकि मेरा बर्थडे भी एनिवर्सरी के बाद ही आ जाता है। ये है, ऐसे ही मुझे पसंद आ गया था तो मैंने ले लिया। ये देख कोई और रहा था, मैंने कहा मुझे भी दिखाना, तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। मैं पहन लूंगी या गुड्डू पहन लेगी, कोई भी पहन लेगा। तो इस तरीके से कैसा लग रहा है, डिज़ाइन कैसा है मुझे बताइएगा। इसमें मोती वाला भी है, मोती वाला मैं गुड्डू और खुशी के लिए लेकर आई थी, आपको याद होगा, उसमें मोती निकल रहे हैं, चांदी वाले भी और काले वाले भी। अब आप सोच रहे होंगे तीसरी चीज क्या है, वो है ये कड़ा। ये कड़ा है जो विपिन ने मेरे को दिलाया है, बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा, पसंद मैंने ही किया है। ये भी इयररिंग्स भी, और वो तो मैंने बताया कि कोई और दिख रहा था, तो मुझे हुआ कि मुझे भी लेना है। मतलब मेरे को अच्छा लगा, मैंने कहा चलो ये ले लूं क्या, उन्होंने बोला हाँ। बल्कि सबसे पहले वो ही लिया गया था, क्योंकि ये हम डिसाइड कर रहे थे कि हाँ भाई ये ले ना ले। तो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से है, ये एक ही कड़ा लिया है मैंने, क्योंकि मेरे पास कड़े हैं गोल्ड के, पर मैं पहनती नहीं हूँ। दूसरा क्या है ना, सारी चीज़ें लोकर में ही होती हैं, तो फिर वो थोड़ा रहता है कि भाई रोज निकालना या महीने दो महीने में, और ना मुझे कड़े पहनने का शौक है इतना। ये मैंने क्यों लिया, आप बोलोगे जब शौक नहीं है तो क्यों लिया। जो गोल्ड होता है ना वो बहुत तेज हवा चल रही है, जो गोल्ड होता है ना वो आपकी सेविंग्स हो जाती हैं, तो इस वजह से। दूसरा मैंने कहा मैं एक हाथ में कड़ा और एक हाथ में ब्रेसलेट या वॉच जो भी है ऐसे करके पहना करूंगी, तो ये आप मुझे डेली पहने देखोगे। अभी तो नहीं पहन रही हूँ, जब अपने शॉप पे जाऊंगी तब वहां पहनूंगी। तो ये है, सुंदर है ये, एक हाँ पूरा एक तोले का है ये। वेट वगैरह पूछते हैं, प्राइस का मैं बता दूं, बिल में ये साथ में है, मेकिंग चार्ज भी होता है, मेकिंग चार्ज बहुत होता है, बल्कि जो चीज़ में कम बनाई होती है
उसमें कम लगता है। जैसे ये है, इसमें इतना कुछ नहीं है, प्लेन है, तो इन पे मेकिंग चार्ज कम लगता है। जितना ज़्यादा चीज बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कारीगरी है किसी चीज़ पे, तो उस पे मेकिंग चार्ज बहुत ज़्यादा लगता है। जितना आप प्लेन लेंगे उतना ठीक रहता है। तो ये मुझे मिला है, आप लोगों को क्या अच्छा लगा क्या नहीं मुझे कमेंट। वैसे सब कुछ अच्छा लगा होगा। और वैसे तो एक बार को मैंने गिफ्ट लेना टाल दिया था क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। तो विपिन ने कहा ये हम वैसा खर्चा नहीं कर रहे हैं, ये लिया जा रहा है, क्योंकि अभी जो भी मैं चीज़ लेती हूँ आप देखते हैं पहनती तो मैं हूँ ही नहीं, सब कुछ करके लोकर में ही चला जाता है। एक आधी चीज़ होती है जैसे इयररिंग पहन लिए, या गले में मंगलसूत्र है, या ये दो रिंग हैं जो मैं पहन रही हूँ, ये भी आपने मुझे शुरू से पहने हुए नहीं देखा होगा, पिछले एक साल से मैं पहन रही हूँ इनको। एक मेरे पापा की है, मेरे पापा ने दी थी मुझे, इसका एक नग भी निकल गया है, और एक ये वाली जो रिंग फिंगर में है ये विपिन ने दी थी मुझे। तो ये दो रिंग मेरे हाथ में पड़ी रहती हैं। तो ये सब कुछ जो भी हो रहा है बच्चों के लिए ही हो रहा है, तन्मय गुड्डू के लिए हो रहा है, सब कुछ फ्यूचर के लिए, कि भाई उस टाइम हमें दिक्कत ना आए, पता नहीं क्या टाइम रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे पता है समय कभी एक सा नहीं रहता है, अच्छा बहुत अच्छा या जैसा भी हो, मैं हर समय के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। अच्छा है तो बहुत अच्छा भी हो सकता है, और अच्छा है तो ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि जैसा हमें, अगर हम सुख देख रहे हैं तो दुख भी हमें देखना पड़ेगा। पूरा दिन होता है, और पूरे दिन में ऐसा नहीं है कि रोशनी ही रहती है, अंधेरा भी होता है, दोपहर भी होती है। हवा चल गई है बहुत तेज़। मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बैठ के बात करना, और ऐसा टाइम ना बहुत कम मिल पा रहा है आजकल, बहुत कम। क्योंकि क्या है ना, जैसे देखो अभी मैं शॉप पे गई थी, वहाँ का थोड़ा सा काम देखकर आई, अब मेरे को ज़्यादा खुशी हो रही है वहाँ जाने की, क्योंकि वहाँ टाइल्स, पत्थर, सीढ़ियों पे काम, फिर नीचे काम शुरू होगा, वो ऊपर से करते हुए नीचे आ रहे हैं, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देख लिया है, लेकिन अब काम उससे भी ज़्यादा हो चुका है, देखोगे कल दिखाऊंगी, चलो। तो वो चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे वहाँ जाना, फिर वहाँ से आई घर पर, अब दोपहर के खाने की तैयारी करूँगी, फिर दोपहर के खाने की तैयारी करने के बाद कुछ मुझे अपनी बिलिंग्स वगैरह क्लियर करनी होती हैं, कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, किसी का कुछ देना है या किसी से कुछ बिल बनवाना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। लोगों का बहुत बड़ा योगदान है इस चीज़ में, बहुत बड़ा योगदान है। इतना अच्छा बोलना भी नहीं आता था, बातें आती थी पर मैं कर नहीं पाती थी, मुझे शर्म आती थी, कैमरा फेस नहीं कर पाते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। और आज बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है, 10 लोगों से बात करनी आ गई है। बहुत सारे शब्द हैं जो गलत बोल देती हूँ पता है, पर आप लोग पकड़ लेते हो, तो वही वाली बात है, सही पकड़े हैं। तो वो वाली चीज़ें, आप लोगों का मुझे बहुत बहुत सपोर्ट मिलता है। किसी ने मुझे कहा था व्लॉग बनाना मत छोड़ना रश्मि, चाहे तुम्हारे व्यूज़ कितने भी डाउन जाएं, डाउन हो भी रहे हैं, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। भले ही मैं हफ्ते में 3 दिन व्लॉग डालूँ, या डेली डालूँ, या 1 दिन डालूँ, पर व्लॉग आएगा, क्योंकि जो ये पहचान है वो मुझे यहीं से मिली है, जो मुझे जाना है वो यहीं से जाना है। रश्मि शर्मा जो बनी है वो यहीं से बनी है, पहले तो मैं रिंकी थी, ये नाम मुझे विपिन ने दिया है, जिसकी स्टोरी मैंने आपको बताई हुई है, बहुत पुराना, शायद अब से 3 साल पहले 4 साल पहले मैंने बताई थी आप लोगों को। और उसके बाद मुझे फैमिली सपोर्ट भी बहुत मिला, ऐसा सारे परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं। बाकी देखिए, मैं एक चीज़ बोलूँगी जो मैंने खुद भी अनुभव किया है और बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आप परेशान रहते हैं, अगर आप लो फील करते हैं, अगर आप अकेला अकेला महसूस करते हैं, अगर आप, मतलब कुछ भी है, आप बेवजह दुखी हैं, कोई वजह नहीं है लेकिन आप दुखी हैं, तो मैं बता सकती हूँ आप दुखी क्यों हैं। मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, खामोखा घर में कलेश होना, खामोखा चिड़चिड़ापन रहना, वो कई बार इस वजह से भी होता है कि हम फ्री होते हैं, हमने अपने घर के काम ख़त्म किए और फिर हम बैठ गए, खामोखा की चीज़ें दिमाग में आती हैं, खामोखा की बातें होती हैं, और फिर खामोखा की बातें क्या करती हैं, कलेश होते हैं, ठीक है, चिड़चिड़ापन होता है। तो मैं ये कहूँगी व्यस्त रहो, मस्त रहो, बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं इतनी बिजी हूँ कि मेरे पास ज़्यादा सोचने का भी टाइम नहीं है। कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो आपके दिल के बहुत बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, जिनसे आपको उम्मीद होती है, सिर्फ आप उन्हीं लोगों की बातों पर गौर कर पाते हो,
बाकी उनकी बात पे भी ये कि अरे यार हम चल छोड़, जब हम ज्यादा ही फिर वो बातें भी निकल जाती हैं। तो इतना कहूंगी, अगर आप, बहुत सारी चीजें हैं यार आज की डेट में करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक चीज और कहूंगी, आप देख के जो होता है कि यार ये कर रहा है काम, या वो कर रही है, या इसने ये किया है, या बहुत सारे काम हैं, आप ये देखिए आप क्या बेहतर कर सकते हो। और घर बैठे बैठे आप अपने फोन से हजार चीजें कर सकते हो, बस आपको अब ये नहीं कि आपने तुरंत कर सकते हो, आप आज मेरी बात सुनी, आज मेरी बात सुनने के बाद 10 औरतें या 10 मेरी, मैंने औरतें बोल दिया क्योंकि यार वीडियो वही देखती है, तो वो 10 सोचने लगे यार हमें करना है, तो वो अभी नहीं कर सकते आप कि आपने मेरी बात सुनी। आप इस चीज से ना मोटिवेट हो गए कि हाँ यार कर सकती हूँ मैं भी, लेकिन आप पहले ये सोचो कि मैं कर क्या सकती हूँ। फोन में सर्च करो, सब कुछ है, ये जो आप जिसमें आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना, इस फोन में सब कुछ है, खजाना है इसके अंदर। मेरे को कोई स्पेशल बंदा सिखाने नहीं आया था, कोई मुझे बताने नहीं आया था, किसी ने मुझे ट्यूशंस नहीं दिए, किसी मेरे को कोई नहीं था सिखाने वाला, कोई भी एक सिंगल बंदा नहीं था। मैं यहाँ विपिन की बात नहीं कर रही हूँ, अपने बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे बच्चे और विपिन, देखो वो तो ऐसी चीजें हैं ना जो आप आधी रात को भी उठ के आवाज दोगे, चाहे वो आपको बोले अबे यार डिस्टर्ब कर दिया, या नींद अच्छी आ रही थी तूने परेशान कर दिया, बहुत लंबा वीडियो होता जा रहा है, तो लेकिन वो उठेंगे, ठीक है, चाहे वो प्यार से उठे, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, उनका सपोर्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपको खुद का सपोर्ट खुद बनना पड़ेगा। कुछ लोग जैसे कमेंट करते हैं आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, आपको किस चीज की कमी है, ये वो, कई बारी हम भी मैं भी परेशान होती हूँ। हाँ ये बात अलग है, मैं हंसती रहती हूँ, या मैं उस दिन ब्लॉग ही नहीं बनाती, या मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ कि मैं खुश हूँ, पर बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुश नहीं भी होते हैं, कहीं किसी ना किसी वजह से हम परेशान होते हैं। तो आपको जो है स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको खुद का सपोर्ट खुद ही बनना पड़ेगा, खुद से बेहतर आपका सपोर्ट कोई नहीं कर सकता, पहले आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको बहुत सारा फोन में देखना पड़ेगा, या लैपटॉप है, लैपटॉप चलाना आता है उसमें देखिए, फिर जाके सोचिए कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। किसी को देखकर आपके पास वो सारी, देखो कोई कोई होता है ना बंदा कि हाँ ये चीज कर रहा है, ये कर सकता है बेहतर, वो चीज मैं नहीं कर सकती बेहतर, या आप में से बहुत सारे लोग होंगे या बहुत सारी लेडीज हैं जैसे कि वो बहुत कुछ बेहतर, आपको सिलाई बुनाई कढ़ाई पता है, हाथ की चीजें कितनी बिकती हैं, कितनी। मेरे पास ना मेरे पास 2-3 लेडीज हैं जो कि पंजाब से हैं, वो यहाँ से नहीं है, वरना मैं उनको अपने साथ काम में मिलाती, और मैंने मेरे अभी भी चल रहा है मेरे माइंड में वो सारी चीजें कि मैं चाहती हूँ कि मैं लेडीज के साथ काम करूँ, उनको अगर मैं काम दे सकती हूँ या हम मिलके एक टीम के साथ काम कर सकते हैं तो मैं जरूर करूँगी। अगर किसी के अंदर वो हुनर है, मेरे पास फोटोज भेजती हैं लेडीज की, हमने ये बैग बनाए हैं रश्मि, लेकिन मैं उनकी यहाँ बैठे हेल्प नहीं कर सकती, अगर वो मेरे साथ होते तो मैं उनको जगह भी देती, मशीनें भी ला के देती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर औरत कुछ करती है, बस इतना ही कहूंगी कि अपने हस्बैंड को उसमें आप वो मत कीजिएगा, क्योंकि देखो मैं 15 साल मेरी शादी को हो गए, 11 साल जो है लगभग विपिन ने ही किया है सब कुछ, और भाई मैंने छोटी बड़ी जो भी चीज मांगी है, मैंने पहले भी कई बार बोला है कि मैं स्टैचू पे कोई ड्रेस देखती थी वहां से निकलते हुए कि ये अच्छी लग रही है, तो वो रात को मेरे पास आ जाया करती थी। तो विपिन ने कभी मुझे ना, तो मेरे कमाने के बाद ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे सर पे बैठा लिया, या मेरी, वो वैसे ही हैं जैसे थे, और मैं इस चीज को जैसे मैं कमा रही हूँ तो मैं यार विपिन ये मैं हूँ, मैं कर सकती हूँ, या मैं विपिन के बगैर भी हूँ, मैं विपिन के बगैर कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी, सब कुछ मेरे को जो खड़ा किया है विपिन ने किया है, जो मुझे चीजें चाहिए थी मैं अगर परेशान हूँ, मेरे को रोना है, क्योंकि ऐसा नहीं है किसी भी काम में परेशानी ना आई हो, मुझे ना आई हो, बहुत परेशानी आई है, मैंने पहले भी बताया, लेकिन मुझे क्या सपोर्ट था कि विपिन थे। बहुत सारे हस्बैंड हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, जिनको लगता है बेकार की चीजें हैं, विपिन को ये होता था कि ये बिजी रहे यार, ये टेंशन ना ले, और ये क्योंकि मैं टेंशन में होती थी तो सीधी सी बात है घर में कलेश चिड़चिड़ापन वो सब चीजें होती हैं,
तो उनको लगता था ये अपने काम में लगी हुई है ना, ठीक है ये जो भी कर रही है जैसे भी कर रही है। मैंने उनको बोला ट्राईपोड लाना है, तुरंत ला के दिया। मैंने उनको बोला लाइटें चेंज करो, तुरंत चेंज करी जब मैं ब्लॉग करती थी। मैंने उनको बोला मुझे रिंग लाइट वाला ट्राईपोड चाहिए, उन्होंने ला के दिया। उनको ये था ये इसमें लग रही है ना, ये लगी रहे, जब मेरी अर्निंग भी नहीं थी। और आज जैसे कि रश्मि कलेक्शन है, और अभी तो मैं ये भी नहीं, मैं क्यों कहूँ कि अर्निंग नहीं है, अर्निंग है, कई सालों से मैं कमा रही हूँ, अच्छा कमा रही हूँ। तो उन्होंने ऐसे कभी मुझे ना तो उस टाइम ना इस टाइम, और मैंने ये भी बात बोली है कि मेरे पैसों से या जो मैं कमाती हूँ उससे मेरा घर का खर्चा नहीं चलता। आज भी जो मैं पहले थी, जो मुझे सामान विपिन से चाहिए, मुझे विपिन से चाहिए। तो काफ़ी लंबी मैंने आप लोगों से बातचीत कर ली है, और मेरा पता है मैं चाहती हूँ जब वो लेडीज़ मेरे साथ शेयर करती हैं, कुछ लेडीज़ बताती हैं यार हमारे हस्बैंड ये वो, मैं उनको कभी ये नहीं बोलती आपके हस्बैंड देखो क्या पता पूरी बात क्या है ना, हम मैं गलत नहीं बोल सकती कि आपके हस्बैंड गलत हैं ये वो। मैं उनको समझाती हूँ कि आप उनको समझाओ, समझाने की कोशिश करो, और अगर कोई हस्बैंड साथ में देख भी रहे हैं तो आप अपनी बीवी को मौका दे सकते हैं। पहले होती थी ये सारी चीज़ें ना, जैसे औरत का कमाना या औरत का, आज भी बहुत जगहों पे होता है कि यार बीवी से कमवाना ये वो फलाना ढिमकाना, इन सब चीज़ों को हम तो बिल्कुल भी नहीं मानते। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते, कुछ लोग हैं, कुछ जगहें हैं जहाँ ये आज भी बोला जाता है, तो उनको बोलने दीजिए। अगर हस्बैंड इस वजह से वो होता है तो मैं इग्नोर कीजिए, आपका घर है, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सास ससुर हैं, वो ही आपका, देखिए समाज चाहिए, रिश्तेदारी चाहिए, गली मोहल्ला चाहिए, आस पड़ोस चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है, लेकिन जो परिवार ही खुश नहीं है, फिर वो मोहल्ले पड़ोस वाले भी आके बोल देंगे यार तुम क्यों नहीं सुनते ये, या कोई बात नहीं करने दो। तो लोग किसी भी तरीके से जीने नहीं देते हैं, ये भी बिल्कुल सच है बात। पता नहीं मैंने क्या क्या बातें घुमाई हैं, कहाँ से कहाँ पहुँची हूँ, कौन सा टॉपिक बीच में उठा लिया है, बातें तो बहुत सारी होती हैं जब इस तरह की होने लगती हैं, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। एडिट करने के लिए तो वैसे कुछ भी नहीं है, कई बार फिर भी मैं चेंज करती हूँ, कहीं मैंने गलत ना बोल दिया हो ये वो। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, काफ़ी सारी बातें हो गई, मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करना, यही मैंने कई बार बोल दिया, मुझे इसे ही ना काटना पड़े। चलो छोड़ो, चलो बाय।